ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज हम लोग ऑप्शन चेन के एडजस्ट करना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ, सबको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखी जाती है, सबको पता है ओआई वगैरह क्या हो जाता है, लेकिन चार्ट के साथ कैसे कंबाइन करना है, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से कन्विक्शन को स्ट्रांग कर सकते हैं और किस तरीके से डेटा रीड कर सकते हैं। सो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वीडियो होगा, ठीक है, लेकिन पूरा आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें ए टू जेड आपको सिखाऊं। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं ऐसा भी लेके चलूंगा कि आपने कभी ऑप्शन चेन नहीं देखी हो तो क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, किस तरीके से पुल किया जाता है, ये सारा बेसिक्स का पार्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखी जाती है, किस जगह पे इमीडिएट सपोर्ट बनती है, किस जगह पे इमीडिएट रेजिस्टेंस बनती है, वीकली रेंज कैसे निकाली जा सकती है, वो सब चीजें, ये होगा बेसिक्स वाला पार्ट, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे कंबाइनिंग चार्ट, जो टेक्निकल चार्ट जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का देखते हैं उसको कंबाइन करेंगे डेटा के साथ, फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं सो दैट हमारी जो एक्यूरेसी है वो और इंक्रीज हो जाए। जैसे प्राइस एक्शन हम लोग करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ओआई का डेटा देखना शुरू कर देंगे, अब हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगी ज्यादा। फिर हम लोग देखेंगे मेक और ब्रेक लेवल। आपने देखा होगा कि यार ये लेवल एक है, ये एक मेक हो सकता है या ब्रेक हो सकता है, मतलब अगर ये यहाँ तो ये बहुत बड़ा मूव आएगा, इस लेवल को तोड़ दिया, ऊपर की साइड भी बहुत बड़ा आ सकता है, नीचे की साइड भी बहुत बड़ा आ सकता है। देन हम लोग देखेंगे व्हेन शॉर्ट कवरिंग कम्स, मतलब शॉर्ट कवरिंग आती है, बिग मूव आने को होता है, वो कैसे हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। देन थीटा से कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमने कॉल बाय करके होल्ड करके चला गया कल के लिए, तो फिर थीटा का डीके किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं वो देखेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब कल का ट्रेंड ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, ऑप्शन चेन से ही, चार्ट से नहीं, चार्ट जो होता है उससे नहीं, ऑप्शन चेन की मदद से हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली कब होता है, एक्सपायरी ट्रेडिंग का होता है। एक्सपायरी ट्रेडिंग पर हम लोगों का एक दिन पहले वेडनेसडे को हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखते हैं और लेवल्स वगैरह नोट करके रखते हैं, अगर ये टूटा सस्टेन किया देन बड़ा मूव आ सकता है। लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा जो कि ट्रेडिंग वही दे सकता है जिसको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो, कोई विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब मैं किताबें पढ़ के या फिर मैं आपको जिस तरीके से लोग देख लिया, दो चार वीडियोस देख के बता दिया, वो उस तरीके से नहीं दे सकता, वो वही दे सकता है जिसने ट्रेडिंग करी हुई सालों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को पुल किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेन पुल कैसे करते हैं, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर चले जाना, गूगल पर सर्च कर देना या फिर nseindia.com डाल देना, ठीक है, यहाँ पे होम पेज खुलेगा, डेरिवेटिव्स पे जाना, उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शंस का रहा है, ऑप्शंस पे जाना, यहाँ पे आप जाओगे ऑप्शन चेन, ठीक है, ये आपकी ऑप्शन चेन आ गई खुल के, इस तरीके से दिखती है। लेकिन मैं जो है इसको नहीं देखता हूँ, मैं जो देखता हूँ मैं दूसरी देखता हूँ, वो वेबसाइट है आपकी निफ्टी NIFTY निफ्टी ट्रेडर TRADER.IN, ये वेबसाइट देखता हूँ। रीज़न क्या है, इसमें मुझे क्वांटिटीज वाइज मिल जाता है डेटा, मैं क्योंकि ये नई वेबसाइट है NSE की, जब मैं ट्रेडिंग करता था तो पुरानी वेबसाइट से करता था, उसमें क्वांटिटीज में आता था, तो वो वेबसाइट अच्छी दिखती है, उससे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। ये वेबसाइट है www.niftytrader.in, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, इसकी ऑप्शन चेन पे गया, तो ये आपकी इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। PCR दिखता है, ठीक है, मैक्स पेन दिखता है, PCR क्या होता है, पुट कॉल रेशियो, मतलब कितनी पुट्स सोल्ड करी गई, कितनी कॉल्स सोल्ड करी, उसका रेशियो, पुट्स डिवाइडेड बाय कॉल्स, ठीक है, इज इक्वल टू। अगर कोई भी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है PCR किस तरीके से होता है या फिर आपका ऑप्शन में कॉल या पुट क्या होता है, मैं इसमें कॉल पुट नहीं समझाऊंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें आप समझ सकते हो। किसी को ओपन इंटरेस्ट पता है लेकिन फिर भी उसको क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट की ओपन इंटरेस्ट है क्या, तो वो ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो चेक कर सकता है, वो मैं डाल दूंगा, वो भी नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन के एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। मैक्स पेन होता है आपका जिस जगह पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग और मैक्सिमम पुट राइटिंग या फिर आउटस्टैंडिंग OI सबसे ज्यादा जिस भी लेवल पे हो, जैसे इसमें दिखा रहे 17,500 पे मैक्सिमम OI है, ठीक है। एक चीज और है, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट, अभी हम लोग तो 13 अप्रैल की नहीं है, आज डेट है आपकी 16 अप्रैल, ठीक है, तो हमारी एक्सपायरी 16 अप्रैल के बाद ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है, तो हमारी जो एक्सपायरी की देखेंगे वो यहाँ पे 21 अप्रैल की है, ये वाली चीज हमें चेक करनी है। यहाँ पे आपका मैक्स पेन है 17,500, मतलब सबसे ज्यादा OI 17,500 पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैक्स पेन पे भी ट्रेडिंग होती है, लोग बहुत से लोग करते हैं कि मैक्स पेन का लेवल जो टूटेगा ऊपर नीचे का तो करेंगे, वो मैक्स पेन जो मेक और ब्रेक लेवल है वो बेसिकली मैक्स पेन ही होता है। अब देखो यहाँ पे ना, ये NSE पे भी इसी तरीके से दिखाता है, ये है बेसिकली लॉट में, ये 40,000 लॉट हैं यहाँ पे 17,500 पे, 40,000 इंटू हमारे निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है 50 शेयर्स का, तो इंटू 50 कर दोगे तो आ जाएगा आपका टोटल, लेकिन हम लोग टोटल को देख रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, कि टोटल में किस तरीके से काम करता है। तो आपने क्या करा, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे बिड ऑफर आ गया, वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी कर दिया, अभी आपसे लॉगिन मांगेगा, यहाँ पे आपने साइन इन विद गूगल करेंगे जब आप,
ठीक है, किसी भी अकाउंट से, या अकाउंट आपको ब्लर दिख रहे होंगे, मैं अभी किसी भी अकाउंट से खोल रहा हूँ, ठीक है, आप कभी जीमेल से किसी भी अकाउंट से खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपका खुल के आ गई ऑप्शन चेन, अब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने पीसीआर देखा था वो पिछली एक्सपायरी का था, अभी राइट नाउ करंटली पीसीआर चल रहा है 0.54, ठीक है ना। एक्सपायरी हमने 21 अप्रैल की खोल ली है, मैक्सिमम पेन हमें पता चल गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा हो, ठीक है ना। इसमें 17,500 दिखा रहा है, 17,500 पे हम अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो आता है आपका ये 20 लाख, ये खड़ा है, एंड 17,500 पे 18 लाख, 17,82,000 तकरीबन। अभी क्या है, ये है आपकी टोटल क्वांटिटी, मतलब 50 से डिवाइड कर दोगे तो लॉट साइज में आ जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ लॉट्स है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, वेयर टू गेट ऑप्शन चेन हमने निफ्टी ट्रेडर से देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टर्मिनोलॉजीज का, जो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है। सबसे पहले दे रखा है निफ्टी, यहाँ पे आप अपना सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो, निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देन आता है स्पॉट, स्पॉट प्राइस वो होता है जो निफ्टी या बैंक निफ्टी हो सकता है, रिलायंस का देख रहे हो तो रिलायंस का होगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी का वो प्राइस जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, सीएमपी जिसको बोलते हैं। ये फ्यूचर का लेवल नहीं है, याद रखना स्पॉट का लेवल है। देन पीसीआर पुट कॉल रेशियो मैं बता चुका हूँ, लॉट साइज ही आता है। अब देखो निफ्टी का लॉट साइज 50 है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 है, हर एक का अलग होता है, जैसे कि इन्फोसिस का 300 है, वैसे आप किसी का भी देख सकते हो। मैक्स पेन मैंने आपको बता दिया है, ये एक्सपेक्टेड रेंज है, इसको मत देखना। रीजन क्या, 16,500 से 18,500 की रेंज है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है, वो थ्योरेटिकली लोगों में बता देंगे कि जहाँ पे मैक्सिमम वही खड़ा है वहाँ पे है। अभी मैं आपको रेंज कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, किसी की भी 21 अप्रैल है, मंथली एक्सपायरी जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म आता है आपका OI, ये OI जो है ना ये जान है ऑप्शन चेन की, ठीक है। मतलब ऑप्शन चेन में अगर हमको कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है तो वो है OI। टोटल OI देखते हैं हम लोग एंड ऑफ द डे एनालिसिस पे, और चेंज इन OI जो ये दिख रहा है ये हम लोग इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हुए हैं निफ्टी के कॉल साइड पे, उधर देखेंगे तो पुट साइड पे, लेफ्ट साइड जो है यहाँ से स्ट्राइक से, ठीक है, लेफ्ट साइड होती है वो आपकी कॉल साइड होती है, राइट साइड होती है वो पुट साइड होती है। अभी हम लोग कॉल साइड की बात कर रहे हैं, तो कॉल साइड में ये आपका मैक्सिमम OI दिख रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब OI की तवज्जो क्या है वो सब हम देखेंगे, अभी जस्ट टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, ठीक है। IV नाउ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताती है कि इस ऑप्शन की जो ये है ये आपके हर एक का प्रीमियम चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके प्रीमियम का प्राइस चल रहा है आपका 136 रुपये, 17,500 की कॉल का, 17,400 की कॉल का चल रहा है, 192, इसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है। अब IV जो होती है हिस्टोरिकल बेसिस पे निकलती है, बट कैसे चेक करोगे कि ये कम है या ज़्यादा है, इससे निकालते हैं IVR और IVP। नाउ अगेन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर आप जानना चाहते हो IVR IVP तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं सेपरेट वीडियोस का बना दूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आपने थियोरेटिकली क्या देखा होगा कि ऑप्शन के प्राइस पे दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, और थियोरेटिकल वो सही भी है। एक होता है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, ऑप्शन के प्राइस जो दो चीज़ों से बनते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू एंड थीटा, इन दोनों से बनते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट कौन डालता है, दैट इज कॉल्ड IVs, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है, IVs हाई होती हैं, दैट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस जो होता है वो हाई होता है, IVs लो होती हैं वो, दैट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस लो होता है। IV हाई तो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस हाई। अब इससे क्या निकलते हैं, जब भी IVs बहुत ज़्यादा हाई होती है, मैं मोटा मोटा समझाता हूँ, IVs बहुत ज़्यादा हाई होती है तो कोशिश करो ऑप्शन बाइंग पे मत जाओ, ऑल्दो आपका सब कुछ ठीक है लेकिन ऑप्शन बाइंग करोगे तो IV क्रश के टाइम पे क्या होगा, कॉल बढ़ेगी नहीं, आपका स्पॉट प्राइस बढ़ता रहेगा लेकिन कॉल नहीं बढ़ेगी। अगर IVs लो है तो ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करो, बिकॉज आपका जरा सा भी मूव आ गया तो आपका SL कट जाएगा। तो ये है, अगर आप चाहते हो कि इससे कुछ नहीं पता चलता, IVR और IVP से पता चलता है कि एक्चुअली में IV हाई है या लो है, देन ये लो प्राइस हाई प्राइस है, बिड प्राइस ऑफर प्राइस, वो बिड उस ऑप्शन का, जैसे ये 17,500 की कॉल पे बायर किस लेवल पे खड़ा है और सेलर किस लेवल पे खड़ा है, ये बिड प्राइस और आस प्राइस ऑफर प्राइस से पता चलता है, या आस प्राइस भी बोलते हैं उसको। ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपकी सबसे इधर दे रखे होते हैं, निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसका डिफरेंस 50 से होता है, बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है वो 100 से होता है, जैसे 35,100 की कॉल, 35,200 की कॉल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉल साइड आ गया। नेक्स्ट इसमें जो टर्म आती है वो आती है डेल्टा। नाउ इंट्राडे में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, सर ऑप्शन हमें ये तो मिल गया चार्ट पे कि कौन सा SL लगाएं, लेकिन हमें ये नहीं मिल रहा है कि ऑप्शन का SL क्या होगा, तो वो डेल्टा की मदद से लगता है, ठीक है ना। कि जैसे आपने 17,500 की कॉल को बाय किया है, कितना प्राइस है इसमें, 136 रुपये पे, अब ये 136 से की मल्टीप्लाई आप 0.5 से करोगे तो इसका डेल्टा निकल के आ जाएगा। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट भागती है, यहाँ से 100 पॉइंट भागेगी तो ये प्रीमियम की वैल्यू आपकी 0.5 × 100, मोटा मोटा इतना
बढ़ेगा, 50 रुपये से बढ़ जाएगा। सेम वाइस वर्सा अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरती है तो ये 50 पॉइंट से 50 रुपये से गिर जाएगा। तो ये इंट्राडे में ऐसा लगाने का काम आता है डेल्टा। मतलब क्या होता है डेल्टा का, 1 रुपए निफ्टी बढ़ने पे कितना ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा, या 1 रुपए निफ्टी गिरने पे कितना ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, पुट साइड पे एक बार झलक मार लेते हैं, पुट साइड में है क्या क्या, सेम चीज ही है इधर उधर जो भी है, करेक्ट वही सारी चीजें आ गई। तो ये सारी ऑप्शंस के अंदर टर्मिनोलॉजीज थी। अब इसमें टर्मिनोलॉजी में 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं जिसको हम लोग मनीनेस भी बोलते हैं, लेकिन आप सिंपली समझो, एक होता है ITM, एक होता है OTM और एक होता है ATM। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। ITM का मतलब होता है इन द मनी, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो कॉल साइड में जितना ये येलोइश पार्ट है, दिख रहा है आपको येलोइश पार्ट, दिस इज कॉल्ड ITM। अभी मतलब बताऊंगा इसका क्या होता है, इसका जितना भी येलो पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ITM। मतलब येलो वाला जो पार्ट आ रहा है ऑप्शन चेन का वो ITM कहलाता है, जो व्हाइट कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड आपका OTM। ठीक है, आउट ऑफ द मनी और ये OTM। और जितना भी स्ट्राइक प्राइस के बाजू में, मतलब 475 है, 475 सबसे पास क्या आ रहा है 17500, दैट इज कॉल्ड ATM। 17500 आपका ATM होता है एट द मनी। ना कॉल साइट का ATM क्या होता है, कॉल साइट के अगर मैं बात करता हूँ, कॉल साइट का ITM का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट। ठीक है, इन डिटेल अगर मतलब समझ रहे हैं तो आप वीडियो में देख लो, बस मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि ITM का कौन सी प्राइसेस ITM में आते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो भी है स्पॉट से जितने भी कम, स्पॉट क्या है 17475, इससे नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे कॉल साइड में वो कहलाएंगे इन द मनी। ठीक है ना, इन द मनी यानी ये वाले सारे इन द मनी, क्यों, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो है दैट इज लेस देन स्पॉट। ठीक है ना, स्पॉट कितना चल रहा है 17475, इससे नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो सारे आपके इन द मनी कहलाएंगे कॉल साइड में। अपोजिट होता है पुट साइड में, पुट साइड में क्या होता है जितने भी स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर देन है स्पॉट से, यानी कि जितने भी स्ट्राइक आपके आ रहे हैं, स्ट्राइक क्या है स्पॉट क्या है 17475, यानी 17500, 550, 600 ये सारे होंगे इन द मनी। नाउ सर, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में होता फर्क क्या है अगर हम करते हैं, देखो इन द मनी के जितना भी आप डेल्टा देखोगे दैट इज आप देखो तकरीबन 1 के आसपास है। मतलब अगर आप इन द मनी की कॉल या पुट खरीद रहे हो तो लेट से आप 17200 तेजी बना रहे हो, 17200 की कॉल खरीद रहे हो जिसका प्राइस चल रहा है आपका 335 रुपये। अब कितना है इसका डेल्टा, तकरीबन 0.8। मतलब आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इन द मनी की कॉल को बाय करोगे, सेल करोगे। अगर आप थोड़े मॉडरेटर ट्रेडर हो तो आप आउट ऑफ द मनी की करोगे। आउट ऑफ द मनी में एक और चीज़ है, मतलब एक तो हमने डेल्टा का डिफरेंस देख लिया ITM और उसमें डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा हम क्या डिफरेंस देखते हैं, जितने भी OTM होती हैं एक्सपायरी पे वो सारी वर्थलेस हो जाती हैं। ठीक है, एक्सपायरी वाले डेट की अगर ये सारी OTM चल रही, अभी नहीं क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे होता है तो कॉल पुट ऊपर नीचे जा सकती हैं, लेकिन एक्सपायरी पे जितने भी OTMs होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपकी जो ITM OTM बताती है। रिस्की ट्रेडर हो ITM में ट्रेडिंग करो, रिस्की मतलब एग्रेसिव ट्रेडर हो या थोड़ा सा आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है बड़ा उससे खेलते हो तो आप ITM में बाय सेल करते हो, और अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड कम है तो OTM में करते हो। फार OTM एक वर्ड आता है, फार OTM में मतलब OTM भी बहुत ज़्यादा OTM है। ठीक है, मतलब 17900 मार्केट का प्राइस चल रहा है, 17400 बहुत दूर का जो है, ठीक है बहुत दूर का आपको चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फार OTM। जो ITM बहुत अंदर होती है उसको हम बोलते हैं डीप ITM। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो 17000 की कॉल जो 510 रुपये का चल रहा है, 507 रुपये का रेट चल रहा है, उसका डेल्टा है आपका 0.91, मोर और लेस फ्यूचर बन गया। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट भागती है तो ये 91 पॉइंट भागेगा। इसका मतलब जितना अंदर डीप इंदर मनी चले जाओगे डेल्टा उतना हाई है। तो ये कॉन्सेप्ट है ITM ATM और OTM का। अगर आपको बहुत डिटेल में चेक करना है सब चीज़ें क्या होती हैं तो फिर आप, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप उसमें देख लेना। तो हमने टर्मिनोलॉजीज देख ली कहाँ से ऑप्शन चेन मिलेगी निफ्टी ट्रेड ऑर्डर से। अब हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तीसरा पार्ट आता है आपका। अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखी जाती है। देखो अगर हम लोगों को वीकली में देखना है, यहाँ पे हम लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं सारे, अगर मैक्सिमम OI पे हमें चेक करना है, मैक्सिमम OI कॉल साइड पे खड़ा है दैट मींस वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है ना, ये तो बेसिक सी चीज़ है, रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका वीक में। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 17700 पे, है ना, 31 लाख शेयर्स हैं आपके 17700 पे, दैट मींस ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा 17700।
मैं अगर उसकी बात करता हूँ पुट साइड में, पुट साइड का जो मैक्सिमम ओआई बताता है दैट वो बताता है कि आपका डाउन साइड में कितना सपोर्ट मिल रहा है। ये तो रेजिस्टेंस हो गई कॉल साइड वाली, और वो बताते हैं सपोर्ट को। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़ा है ओआई 21 लाख का 17,000 पे। तो मैं मोटा मोटा अगर मानूँ तो 17,000 से 17,700 ये एक रेंज बन रही है। तो क्या इसकी रेंज टूट नहीं सकती? ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस रेंज में मार्केट रहने वाली है। बट अगर आप इंट्राडे की रेंज निकालनी है, इंट्राडे की रेंज निकालनी है, तो आप कहोगे यार इंट्राडे में इतना बड़ा 700 पॉइंट का मूवमेंट थोड़ी आता है। ऑब्वियसली बात है 700 पॉइंट का नहीं आता है, जिस दिन बशर्ते कोई न्यूज़ खराब ना हो या रिजल्ट वगैरह अच्छे खराब ना हो, उस दिन की बात अलग है, लेकिन जनरली इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता है। तो हम इमीडिएट सपोर्ट, इसको वर्ड बोलते हैं इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है, यानी कल के लिए इंट्राडे के लिए सपोर्ट, और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, इमीडिएट सपोर्ट एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इमीडिएट सपोर्ट आती है आपकी जहाँ पे चेंज इन ओआई देखते हैं कॉल साइड पे। सपोर्ट कहाँ से दिखती है? सपोर्ट दिखती है पुट साइड के, जहाँ पे पुट साइड का ओआई है। और रेजिस्टेंस कहाँ से दिखती है? जो कॉल साइड से। चेंज इन ओआई, चेंज का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये वाला पार्ट अगर सबसे ज़्यादा पुट साइड में जहाँ पे है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, और यहाँ पे कॉल साइड में जहाँ पे भी आपके सबसे ज़्यादा ओआई है चेंज इन ओआई, वहाँ पे डेट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसमें आप देखते हैं क्या बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखें 22 लाख दिख रही है, लेकिन 17,600 भी एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस, बिकॉज ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही ओआई ऐड हुआ है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस काम करेगा 17,600। पुट साइड में देखते हैं क्या करेगा। अब आज का डेटा थोड़ा सा अलग बना है, मैं आपको आज का डेटा बेरिश डेटा कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये पुट राइटर्स हैं तो ये भाग रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, बेसिक्स से एडवांस पे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। देखो हम लोगों को ये अनुमान लगा के रखते हैं कि मार्केट में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं, होते दोनों ही हैं। ऑब्वियसली ट्रेड कैसे होगा अगर कॉल राइटर नहीं होगा, पुट राइटर कोई बेचेगा तो खरीदेगा तो कोई ना, तो ट्रेड तो होगा ही ऑब्वियसली। लेकिन दो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग मान के चलते हैं कि ये राइटर्स हैं, या ओटीएम पे जो भी खड़े हैं वो राइटर्स खड़े हैं। क्यों? क्योंकि दो रीजन है आपके। अगर किसी ने पुट शॉर्ट करी है दैट मीन्स उसको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, नंबर वन मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से जो राइटर्स होते हैं ऑप्शन के, चाहे वो कॉल राइटर हो चाहे वो पुट राइटर हो, इन दोनों को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि बड़े आदमी हैं, स्मार्ट प्लेयर्स हैं, और जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो लोग बड़े आदमी नहीं है, स्मार्ट प्लेयर्स नहीं है, इसलिए उनको तवज्जो उतनी नहीं दे रहे हैं। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे इस जगह पे, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 17,250 वाले पुट राइटर्स घबरा रहे हैं, यानी कि जो लोग मार्केट में सपोर्ट दे रहे हैं वो लोग घबरा के छोड़ रहे हैं अपनी जगह कि यार मार्केट पता नहीं नीचे कितना जाए। आप देखो कहीं पे भी साइजेबल आउट ऑफ द मनी में कहीं पे भी पुट राइटिंग उतनी नहीं है जितनी कॉल राइटिंग है, देख रहे हो आप यहाँ पे। आप देख रहे हो जितनी हैवीली कॉल राइटिंग हो रखी है उतनी हैवीली पुट राइटिंग नहीं है, करेक्ट। देखो पुट राइटिंग उतनी हैवीली कहीं पे भी नहीं जितनी कॉल राइटिंग, दैट मीन्स मार्केट में डेटा जो है वो बेरिश की तरफ जा रहा है, करेक्ट, वो बेरिश डेटा है। तो ये हम ऑप्शन चेंज के थ्रू हम लोग पता चलाते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है वो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, जहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इमीडिएट बेसिस पे निकालते हैं तो चेंज इन ओआई, जो चेंज इन ओआई आता है आपका यहाँ से, ये चेंज इन ओआई है, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करता है, उधर चेंज इन ओआई जो होता है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा एडवांस पार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो और हो सकता है आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ समझ ना आई हो, टर्मिनोलॉजीज कोई समझ ना आया हो, ओआई समझ ना आया हो, आपको कॉल पुट समझ ना आया हो, इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, सो दैट आप देख सकते हो। मैंने इस वीडियो को बहुत लंबा ड्यूरेशन का ना बनाने के लिए, क्योंकि मेजरली पार्ट आपका जो है वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो इस पे फोकस ज़्यादा करना है, इसलिए मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा साइज लंबा हो जाता अगर मैं टर्मिनोलॉजीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता। तो क्या करना है आपको, अगर नहीं समझ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख लो। पहला पॉइंट आता है कंबाइनिंग चार्ट एंड डेटा, चलो इसको देख। तो हम इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं? देखो सबसे पहला काम होता है हमें चार्ट्स पे लेवल ड्रॉ करना है। चार्ट पे लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, उसको पता चल जाएगा। चार्ट पे हमने लेवल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने ओआई बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, कहाँ पे क्या घड़ा है क्या नहीं घड़ा है वो देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे आपने देखो यहाँ पे एक चार्ट का ये आपको एक लेवल दिख रहा है, ठीक है, ये आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है, बराबर है। ये आई थिंक ये है 21 मार्च का, ठीक है, 21 मार्च का है। यहाँ पे एक ऊपर आया, कंसोलिडेट किया एंड देन ब्रेकआउट आया, देन मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर के प्राइस एक्शन के साथ ऊपर चलता चला गया। ये इस दिन मार्केट खुला है, ठीक है, ये आपका 9:30 से 9:30 के बीच कैंडल्स बन रही है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब हम करेंगे डेटा को कंबाइन, हमको अभी तो चार्ट देख रहे हैं ना, चार्ट पे हमें पता नहीं कि यार ये लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा, या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे अपना डेटा। ये जो डेटा की शीट है ये बेसिकली क्या है बता रही है,
कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हमने कहा था ना इंट्राडे में देखना तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ये लैक्स में है, यानी 1,43,00,000 कॉल राइट हुई है आज, 1.43 लाख, यानी 143 लाख, और 110 लाख पुट राइट हुई है। इसका मतलब हमारे को एक ट्रेंड दिख रहा है यार, मार्केट में जो ट्रेंड है वो है एक बेरिश ट्रेंड, ठीक है, चेंज इन हुआ जाता है। इसको हम ऑप्शन चेन पे कैसे देख सकते हैं वो देखना है। ये बेसिकली है क्या, ये जो है जो आज चेंज इन ओआई का कॉलम को मैंने टोटल कर दिया है कॉल साइड के में, ऐसे ही इधर जो चेंज इन पुट का है, चेंज इन पुट को इस कॉलम को मैंने टोटल कर दिया, इन दोनों को टोटल निकाल के जिधर भी साइड में ज्यादा आ रहा है, अगर आज कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग तो हमारा ट्रेंड बेरिश होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आज पुट राइटिंग चेंज इन ओआई की बात कर रहा हूं ज्यादा है कॉल राइटिंग से, तो ट्रेंड डेटा के हिसाब से पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा, करेक्ट। तो ये सिर्फ चेंज इन ओआई, तो वो मैंने उसकी शीट बनाता हूं ऑन द डेली बेसिस, तो ये इस चीज का टोटल आ रहा था, ये 21 मार्च का है। अच्छा, वो ऑप्शन चेंज होते हैं, वो अभी फ्रेश ऑप्शन चेंज है, ठीक है, तो वो और टोटल मैच नहीं करेगा, तो उसकी चिंता ना करना। तो ये हमारा आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका आगे डेटा नेगेटिव, ठीक है। अब आप क्लियरली दगा सकते हो कि यार ये सपोर्ट टूट सकती है नहीं टूट सकती है, ठीक है, लगातार ये बढ़ता चला गया, देख रहे हो डिफरेंस आपका बढ़ता चला जा रहा है, दैट मीन्स आज डेटा जो है नेगेटिव है, हम बाय साइड में नहीं जाएंगे, ऑल द प्राइस सेक्शन कुछ भी कह रहा हो, अभी हम बाय साइड को ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और लास्ट में अगर आप देखो मार्केट नीचे आया देन ऊपर गया, नीचे आता चला गया, करेक्ट। अब मार्केट ने यहां हमेशा क्या होता है, मैं क्या बताता हूं आपको, आप अगर डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हो कि मार्केट में बॉटम कब बनता है, जब कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे या फिर डब्ल्यू पैटर्न की रिकवरी दे, लेकिन हमारा डेटा यहां पे अभी भी नेगेटिव था, तो इसने एक ब्रेकआउट तो दिया, कंसोलिडेट करके ऊपर गया लेकिन फिर नीचे चला गया। तो मैंने आपको बताया था कंबाइन करो डेटा को चार्ट से, मतलब क्या है कि आपने अपने डेटा को वेरीफाई किया और चार्ट को वेरीफाई किया और मार्केट देखो नीचे गिरती चली गई, जब दोनों चीजें मिल जाएंगी ना तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ट्रेड, या फिर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करे। तो हमने क्या किया, कंबाइनिंग चार्ट को किया, क्या करा हमने, चार्ट पे लेवल्स निकाले अपने जितने भी जो भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, डेटा से देखा, डेटा कैसे देखा हमने, कॉल और पुट का डिफरेंस, चेंज इन कॉल का डिफरेंस और चेंज इन पुट का डिफरेंस, उससे हमने डेटा निकाला, दोनों मैच कर गए तब ट्रेड लोगे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकंड आता है आपका मेक और ब्रेक लेवल, जहां पे भी मैक्सिमम हुआ, जैसे हमारा देखा था 17,500 पे खड़ा हुआ था, 17,500 पे मैक्सिमम वाई खड़ा है, वो लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो मार्केट में पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, या क्योंकि पुट राइटर ने अपनी पुट बेची हुई है 17,500 के लेवल पे, कॉल राइटर ने अपनी कॉल बेची है 17,500 के लेवल पे, अगर ये 1470, 440 या 420 के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देता है तो मार्केट में पुट राइटर्स जो है वो कवरिंग लेके आएंगे, जिससे पुट मार्केट में बाइंग ऑर्डर, पुट के बाइंग ऑर्डर पंच होंगे, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आएगा। तो पुट राइटर जब भी ट्रैप होते हैं तो पुट बाइंग करना शुरू करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, कॉल राइटर जब भी ट्रैप होते हैं तो कॉल राइटर मार्केट में कॉल बाय करने का ऑर्डर पंच करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसलिए मेक और ब्रेक लेवल जहां पे भी मैक्सिमम ओआई खड़ा हुआ है, मार्केट एटीएम के आसपास ही खड़ी हुई है, तो वो एक डिसाइसिव लेवल बन जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है कि वेन शॉर्ट कवरिंग कम्स एंड वेन आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, देखना ये ध्यान से। इसमें हमने को करना क्या है, एक्सपायरी के टाइम पे जैसे 17,500 के लेवल में मैक्सिमम ओआई खड़ा हुआ है कॉल साइड का, ये हमें पता चल गया। अब क्या होता है, 17,500 के आसपास मार्केट आ रही है और जो ओआई है 17,500 का वो घटना चालू हो जाए, नंबर वन, 17,600 का ओआई घटना चालू हो जाए, 17,400 की कॉल साइड का ओआई घटना चालू हो जाए, दैट मीन्स मार्केट एक ट्रेंडिंग दिखा सकता है और मार्केट में एक बड़ा साइड का मूव आ सकता है। सेम चीज होती है पुट साइड में, ठीक है ना, मार्केट में ऊपर साइड का मूव कब आएगा, जब कॉल राइटर्स कटने शुरू हो जाएंगे, पुट राइटर्स साथ में, मतलब कॉल राइटिंग कट रही है, ठीक है, और पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं, पुट राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट में एक अप ट्रेंड सस्टेनेबल है, ठीक है। एंड पुट राइटिंग में सेम है, जैसे मान के चलो 17,400 के लेवल पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है हो रखी है, एक्सपायरी के आसपास है, एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले की बात है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 17,400 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दे, 420 पे आ जाए और इन पुट राइटर्स अपनी जगह से भागने शुरू कर दें, दैट मीन्स 400 का लेवल टूट जाएगा, मार्केट और नीचे आने शुरू होगी। और जब भी एक्सपायरी में मार्केट ट्रेंडिंग होती है ना, आप हमेशा देखना ये वाला सिनेरियो आपको जरूर दिखेगा। देन आपको आता है हाउ टू गेट बेनिफिट फ्रॉम थीटा। अब ये उनके लिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके थीटा उनके अगेंस्ट में होता है, तो वो कैसे बेनिफिट उठाएं, अगर उनको इंट्राडे में तो आप ऑप्शन नेकेड बाय कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको होल्ड करना है, लेट्स से आपने 17,500 की कॉल बाय करी है और मार्केट में आपने तेजी बनाई है, या आपने करके चले हो 17,500 की 100 रुपए में आपने बाय करी है, अब दिक्कत क्या आती है कि 2 दिन में एक्सपायरी है तो इसका थीटा वैल्यू 20-25 रुपए कट जाएगा, तो आपने क्या किया, जब आप जा रहे हो आपको लग तो रहा है मार्केट तेज है, लेकिन अब आप क्लोजिंग टाइम पे आप अगले दिन मार्केट में थीटा नहीं कटवाना चाहते, तो आपने क्या किया, 17,800 की कॉल जिसका थीटा चल रहा होगा अराउंड
बाय 25 रुपये 30 रुपये के आसपास उसको सेल कर दिया। इससे क्या होगा, मार्केट अगर कल रेंज में खुल गई, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुली है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुली, तो इस 25 रुपये में से आपको 7-8 रुपये मिल जाएंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया आपने, बेसिकली ये चीज़ है। सेम चीज़ अगर बेयर में जा रहे हो, अगर आपने 17,500 की पुट खरीद के जा रहे हो और आपको टेंशन हो रही है कि यार इसका थीटा मेरे अगेंस्ट में है, तो आपने ये किया 17,200 की एक पुट बाय करके चले गए। इंट्राडे में मत करना, रीजन क्या है, इंट्राडे में करोगे तो फायदा नहीं होगा, पता लगा मार्केट इंट्राडे में नीचे आएगी तो आपका ये वाला नुकसान दी जाएगी 17,200 वाली। इसलिए करना क्या है, जब आप क्लोजिंग पे जा रहे हो तो आपने एक ऊपर की कॉल सेल कर दो, नीचे की पुट सेल कर दो, अगर बेयर स्पेट बनाए तो पुट और अगर बुल कॉल स्पेट बनाए तो कॉल, तो आपको थीटा का एडवांटेज मिल जाएगा। ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, अब मैंने आपको एक चीज बताया है, देखो चार्ट पे मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये स्ट्रांग अप ट्रेंड है स्ट्रांग नहीं है, ये डेटा से कैसे पता लगाए ऑप्शन चेन में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है साथ में कॉल राइटिंग कट रही है, यानी कॉल राइटिंग जो है वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं प्लस पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो मार्केट में क्या होता है, ये तेजी का ट्रेंड सस्टेन कर जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग प्राइस सेक्शन होता है, देखो प्राइस सेक्शन क्या कहता है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया नीचे आया देन ऊपर जाके मार्केट ऐसे नहीं कहता डायरेक्टली चला जाता है, मार्केट क्या करता है, ये आपने लगाया सपोर्ट का एरिया, अब मार्केट पता क्या करेगा, मार्केट यहां से आएगा नीचे, सपोर्ट नहीं लेगा, ये सपोर्ट तोड़ देगा, आपका ऐसा खड़ा जाएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये चीज आपकी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, डेटा भी ऊपर जा रहा है और कॉल राइटिंग जो है वो कट रही है प्लस पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो समझ लो कि ट्रेंड जो है वो आपका सस्टेनेबल है, अप ट्रेंड की टेंशन नहीं, स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका बुल, आपका जब सस्टेन करता है तो कैसे पता चलता है। अब अगर आपको सस्टेन कराना है कि बेयर कैसे सस्टेन कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जाके ऐसे करके नीचे आ रहा है, अब क्या होगा, यहां पे आपका एसएल लगा होगा, मार्केट क्या करेगा, आपने शॉर्ट किया हुआ है और मार्केट आपके एसएल को खा के धन नीचे आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या होता है, बेयर साइड, बुल साइड मैंने आपको बताया था, बेयर साइड बताता हूं। बेयर साइड में आपने क्या देखना है, मार्केट नीचे आ रहा है नंबर वन, नंबर सेकंड देखो क्या पुट राइटिंग जो कर रखी है लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने, वो घट रही हैं, अगर ये डर के मारे भाग रहे हैं तो मतलब मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तीसरी चीज, साथ में कॉल राइटिंग भी बढ़ रही है ऊपर के लेवल पे, मतलब कॉल राइटिंग भी इंक्रीज कर रहे हैं लोग, पुट वाले भी भाग रहे हैं और बेयर वाले भी भाग रहे हैं। अब मैं आपको उसको एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो कि आपको दिखेगा। अब देखो मार्केट चल रहा है 17,475, यानी कि 17,500 के नीचे क्लोज हुआ है। 17,500 वाले जो पुट राइटर्स होंगे, कौन है 17,500 वाले पुट राइटर्स, ये हैं आपके, ये ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी, मार्केट उससे नीचे जा चुका है। अब आप देखो ये डाउन ट्रेंड सस्टेन कब करेगा, ये वाले पुट राइटर्स जो हैं ये भागे, अपना यहां से कम करना शुरू कर दे नंबर वन, यहां की कॉल राइटिंग इंक्रीज होनी चली जाए, तो प्राइस एक्शन के साथ जब आप सेल करोगे तो आपको ओके होगा, सब आप कर सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा हो जाएगी। वेयर इज अगर आप कॉल, अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रही है, 17,475 है, मार्केट क्या हुआ 17,525 चली गई, यानी ये वाले लोग ट्रैप हो गए। अब कौन ट्रैप हो गए, 17,500 वाले कॉल राइटर्स, जब ये ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन साथ में देखो क्या ये वाले कॉल राइटर्स भाग रहे हैं, अगर ये कॉल राइटर्स भाग रहे हैं मार्केट में, आप कल देख लेना, अभी आपका मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा, अब 18 अप्रैल को आप लाइव मार्केट में टेस्ट करना, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो क्या ये वाले कॉल राइटर्स हैवी हो रहे हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर ये हैवी हो रहे हैं तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है, प्लस ये वाले पुट राइटर्स जो है कटने शुरू हो रहे हैं क्या, अगर ये पुट राइटर्स कटने शुरू हो रहे हैं दिख जाएगा आपको क्लियरली। दैट मीन्स मैं अगर इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, बुल में बुल है तो देखो कि प्राइस तो ऊपर जाएगा ही नंबर वन, ठीक है ना, बुल है प्राइस ऊपर जाएगा ही, लेकिन क्या प्राइस सस्टेन करेगा, उसके लिए क्या देखना है, क्या कॉल राइटर्स जो है वो अनकवर हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग दे रहे हैं अपनी, हाँ, साथ में क्या पुट राइटर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, यानी पुट राइटिंग यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो बेयर ट्रेंड को आपको कंफर्म करना है कि बेयर चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। बेयर ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप, बेयर ट्रेंड में देखो प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है एंड पुट राइटर्स भाग रहे हैं, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कन्विक्शन है हमारा कि नीचे जाएगा। इंट्राडे डेटा तो देखते देखते हो, लेकिन अगर आपके पास इंट्राडे डेटा की शीट नहीं है, आपके पास शीट अवेलेबल नहीं है, आप ऑप्शन चेन फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम करना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये हमने क्या देखा, कंबाइन करा, फिर हमने मेक और ब्रेक लेवल देखा, हमने करा ये वाला जो ट्रेंड है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग है या नहीं है अप ट्रेंड बेसिकली, क्योंकि प्राइस सेक्शन में कभी कभी आपका एसएल कट जाते हैं, क्या होता है मार्केट नीचे आया, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है,
ये और ये देख रहे हैं आप विक लंबी, ये आपके स्टॉप लॉस खाने आया है, ये जो विक लंबी बनाई है आपका स्टॉप लॉस खा के चला गया, उस केस में आपका थोड़ा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा अगर ये डेटा इस तरीके से चल रहा है आपने देखा तो। ये थी आपके थोड़े एडवांस पॉइंट्स, ठीक है ना। अब ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक, कहीं पे भी आप सोचो कि मेरे को थ्योरेटिकल बुक्स वगैरह में मिल जाए तो मिलेंगे नहीं, ये वाले पॉइंट्स आपको ऑप्शन चेंज एनालिसिस में हर जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करें ना, सारे के सारे ये बता देंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होती है, मैक्सिमम वाई क्या दिखता है सब, या चेंज इन इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपको बता देंगे ऑप्शन चेंज में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको ये तो बेसिक आपको मिल रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है जिससे आपको कन्विक्शन हाई हो जाए ट्रेडिंग करने में। नाउ मैंने एज प्रॉमिस आपसे कहा था एक बोनस टिप दूंगा, ये है आपका PCR, PCR है 0.54 चल रहा है, ठीक है, मार्केट में डेटा बेयरिश भी है, सब कुछ मार्केट नीचे आ रहा है। याद रखना कोई भी युद्ध हो कुछ भी हो, आपने एक सेल की पोजीशन ली है, मैंने आपसे क्या कहा है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करा करो और लॉसेस को छोटा रखा करो, मतलब SL पे निकल जाया करो और स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रॉफिट बढ़ा करा करो। लेट्स से आपने 17,475 में मार्केट को सेल कर दिया, लेट्स से, ठीक है, अब आपने क्या कह रहा 17,300 मार्केट आ गया तो आपको 175 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप कहते हो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा और प्रॉफिट इंक्रीज करूंगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है जो PCR है ना, अगर ये 0.4 के नीचे चला गया तो अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट कर दो, ठीक है, सेल की पोजीशन एग्जिट कर दो, कैरी करके मत लेके जाना, शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आ सकती है, ठीक है। अगर ये 1.5 के ऊपर चला जाता है उस टाइम पे मार्केट में सब हरियाली दिखेगी, हर कोई बाय कॉल देने लगेगा, बाय करो बाय करो बाय करो, उस टाइम पे अगर आपको बाय साइन प्रॉफिट हो रहा है तो आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है, ठीक है, और वहां पे बुक करके चले जाना, कोई बात नहीं अगले दिन आपका प्रॉफिट ना भी हो। अब ये वाला केस पता है कब हुआ था, 1.5 अभी हुआ था रिसेंटली जब HDFC ट्विंस, जब HDFC बैंक और इसके आया था तो PCR 1.5 से ऊपर चला गया था। आपने क्या करना, अगर वहां पे बाइंग पोजीशन को रखते, मैं हमेशा करता हूँ, मेरे को HDFC बैंक के जब प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट भी लिया मैंने और लॉस भी नहीं किया अगले दिन, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा PCR अब इंक्रीज हो रहा है, अब मैं अपनी बाइंग साइड के पोजीशन को प्रॉफिट को ट्रेल नहीं करूंगा। प्लस दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, जब भी 1.5 से ऊपर आ जाए PCR तो आपने अपने को फ्रेश बाय नहीं इनिशिएट करना है, ठीक है, मार्केट में हरियाली दिखेगी बहुत अच्छी चीज दिखेगी, थोड़ा कूल डाउन होने दो तब बाय करना, 0.4 आ गया PCR तो फ्रेश सेल नहीं करना। अब ये एक्सप्लेनेशन क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, जब 1.5 चला जाता है, अब ये 1.5 नंबर कहां से आया, ये एक्सपीरियंस आया, मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं उतना टाइम से तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास बहुत सालों का डेटा बना हुआ है, उस डेटा से बता रहा हूं मैं आपको। ये जब आ जाता है ना तो मार्केट ओवरबाउट चली जाती है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ओवरबाउट चली जाती है, तो ओवरबाउट में आप बाय भी करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, मार्केट नीचे आएगी तो आपका SL बहुत ज्यादा कट जाएगा, ओवरसोल्ड में आपको सेल नहीं करना है, बस सिंपल। तो ये था कि PCR की एक रेंज बता दी, निफ्टी की आपके जो है 0.4 से नीचे आ जाए तो आप नहीं सेल की पोजीशन मत करो, फ्रेश सेल इनिशिएट मत करो और शॉर्ट को अपने कवर कर लो, सेम चीज बाइंग साइड में आता है आपका ये दिखता है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको सीखने को कुछ मिला होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपको मैंने क्या नहीं दिया, IVs में बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि IVR क्या होता है, IVP क्या होता है, ठीक है, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं वो सारी चीज़ें सिखाने लग जाता। प्लस ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बस वो बताया, अगर डिटेल में नहीं बताया क्यों नहीं बताया, अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मेरा ऑब्जेक्टिव इतना है कि वीडियो को जितना क्रिस्प रख सको और प्रैक्टिकल बेसिस में, देखो तीन चीज़ें स्टार्टिंग है बेसिक की, आप ऑप्शन चेंज की एनालिसिस गूगल पर सर्च करिए ना, हर जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है, बट वो जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस करोगे, उसके बिना पता नहीं चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ट्रेडर बनाना है, ठीक है ना, थियोरिटिकल तो आपको समझना है, ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, आप उसको देख सकते हो ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इसको देखोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए तो दूसरी बार में समझ लेना, लेकिन अच्छे से समझ जाएगी ये बात, मैं आई एम वेरी मच एश्योर कि हाँ समझ में आएगा। फिर भी समझ नहीं आता, आपको लगता है यार फिर भी मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर दो, सर आई हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन चेन, आप एक बार इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आया वो अपना भेज दो, मैं आपको फिर वहाँ पर रिप्लाई करूँ। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमॉरो।